Hello everyone, this is Tanija Gupta. Welcome to my channel. And in the series of morphology of flowering plants, we were talking about the flowers. ठीक है, flowers में अब next topic हम लेते हैं. There are the three type of category of flowers. क्या क्या होती है? Hypogynous, epigynous and diperigynous. ठीक है, ये किस basis पे होती है? जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि flowers में चार parts होते हैं. Calyx, corolla, androecium, जिसको हम stamens भी बोलते हैं. Gynoecium, that is called pistil. ठीक है, तो कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोसियम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू गाइनोसियम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू फीमेल ऑर्गन, कैसे वो पोजीशन में रहते हैं, उसके बेसिस पे ये तीन टाइप होते हैं, हाइपो, एपी एंड पेरिगाइनस. लेट देम टेक देम इंडिविजुअली. ठीक है, ओके. सो आई एम जस्ट मेकिंग थ्री एक्सप्लेनिंग दिस इन अ टैबुलर फॉर्म. सी, हाइपोगाइनस क्या होता है? हाइपो यानी कि ओवर, मतलब ऊपर है. तो इसमें क्या होती है? जो ओवरी होती है दैट इज सुपीरियर. ठीक है, यानी कि इसमें ओवरी क्या होती है? इट इज टॉप ऑफ अदर फ्लोरल अपेंडेजेस और यू कैन से फ्लोरल पार्ट्स. ठीक है, चलिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो और ज़्यादा हमें समझ आ गया आएगा. ठीक है, सी दिस इज़ दी थैलेमस, जिसको हम पेडिसल है. इसमें ना इस थैलेमस में क्या होता है? ये क्या है? कैलिक्स. ओके, नाउ दिस इज़ दी नेक्स्ट पार्ट, कोरोला. ओके, क्लियर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? मेल ऑर्गन दैट इज़ दी स्टेमन. ओके, एंड नाउ ऑन द टॉप मोस्ट क्या प्रेजेंट हुआ? फीमेल ऑर्गन. ठीक है, तो दिस इज द फीमेल ऑर्गन. तो अगर आप इस पिक्चर में देखोगे और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वाला अपेंडिज या फ्लोरल पार्ट टॉप पोजिशन पे, तो यू विल रिकग्नाइज कि जो ओवरी है दैट इज ऑन द टॉप पोजिशन. तो यानी कि अदर पार्ट्स, ये तीनों पार्ट्स क्या हैं? दे आर बिलो देन द ओवरी और दैट पिस्टल. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? ओवरी सुपीरियर है क्योंकि ये टॉप पे प्रेजेंट होती है. ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इट? इट इज लाइक मस्टर्ड, ब्रिंजल. ठीक है, फाइन, चाइना रोज. ये सब क्या है? एग्जाम्पल है जिसमें किस तरह का पैटर्न पाया जाता है? हाइपोगाइनस. ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एपीगाइनस एंड देन पेरिगाइनस. ओके, एपीगाइनस में क्या हुआ? इसमें जो ओवरी होती है इट इज इन्फीरियर यानी कि इसके ऑपोजिट की. इसमें ये तीनों पार्ट तो टॉप पे होंगे और ओवरी टोटली अंदर की तरफ होगी. तो इसमें क्या होता है? इसमें हम बनाते हैं जैसे कि ये क्या है कि थैलेमस जो है वो पूरा ओवरी को कवर कर लेता है. ये थैलेमस ऐसे ग्रो होकर पूरा ओवरी इसके अंदर आ जाती है, पूरा कवर कर लेता है. ओके, तो अब अगर इसमें मैं अदर पार्ट्स बनाऊंगी तो इट विल बी लाइक दिस. दिस इज द कैलिक्स. ठीक है, फिर क्या हुआ? कोरोला. ओके, देन स्टेमन. ओके, और जो ओवरी हुई वो क्या हुआ? इसका बस स्टाइल पार्ट जो है वो बाहर की तरफ होता है एंड दिस पार्ट इज टोटली इनसाइड. ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा फर्दर? ये क्या है? इसके ओव्यूल्स प्रेजेंट है. तो मतलब कि क्या हुआ? ओवरी टोटली थैलेमस के अंदर चली जाती है और ये दूसरे पार्ट से उनके साथ फ्यूज हो जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी, इन्फीरियर. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? द एग्जाम्पल्स आर गुआवा, कुकुम्बर. ठीक है, और क्या हो सकता है? सनफ्लावर. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एपिगाइनस ओवरी. अब थर्ड वर्ड लेते हैं, उसमें क्या हुआ? अब या तो ओवरी का पोजीशन कैसा हो गया? सुपीरियर, इन्फीरियर. बट इसमें ओवरी का पोजीशन क्या है? इट इज कॉल्ड दी हाफ इन्फीरियर, यानी कि आधी अंदर और आधी बाहर. ठीक है, कैसे हुआ? इसमें जो थैलेमस होता है उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, इट्स लाइक दिस. ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेशन होता है और साइड में ही यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला सब प्रेजेंट होता है. ओके, तो आउटर साइड कैलिक्स, कोरोला, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, सो इट्स लाइक दिस. ठीक है,
आर यहाँ पे आ गया स्टेमन, ओके okay. और जो ओवरी है वो इसका जो थोड़ा सा इम्प्रेशन डीप इम्प्रेशन होता है यहाँ पर नीचे की तरफ, उसमें यहाँ पे क्या है ओवरी प्रेजेंट होती है लाइक दिस. अंडरस्टूड? तो ये क्या इसका हो गया, दिस इज ओवरी हाफ इन्फीरियर. क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल होता है, लाइक पीच, ठीक है, और क्या हो गया रोज, प्लम, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पेरीगाइनस ओवरी. सो ये क्या हो गया, अलग अलग फ्लोरल अपेंडिसेस के पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू ओवरी, उसके बेसिस भी थ्री टाइप्स होते हैं. ठीक है, सो आई होप ये फ्लोरल के जो फ्लावर्स के जो ये टाइप्स हैं ये आपको क्लियर होंगे. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.